विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को एक के बाद एक ट्वीट कर सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि सस्ती स्वास्थ्य सेवा पर हमारे ध्यान ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण बचत सुनिश्चित की है, साथ ही सरकार देश के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ताबड़तोड़ 4 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी को अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मिले। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी आज का दिन है। यह उनकी कड़ी मेहनत है जिसने हमारी धरती को सुरक्षित रखा है। उन्होंने आगे भी कहा कि जब मैं पीएम जन औषधि जैसी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। सस्ती स्वास्थ्य सेवा पर हमारे ध्यान ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण बचत सुनिश्चित कर रखी है, साथ ही हम समग्र स्वास्थ्य को और बढ़ावा देने के लिए अपने आयुष नेटवर्क को भी लगातार मजबूत कर रहे हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद चिकित्सा क्षेत्र में आए बदलावों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में चिकित्सा शिक्षा में तेजी से परिवर्तन हुए हैं, कई नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, स्थानीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई को सक्षम बनाने की हमारी सरकार के प्रयास अनगिनत युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देंगे। देश में स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के बारे में उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार देश के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हमारे नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह प्रत्येक भारतीयों को गौरवान्वित करता है कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का घर है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।